स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 50 जिला 50 खबर। खबरें विस्तार से। सिंधी समाज के लिए राज्य सरकार का बड़ा तोहफा, सिंधु दर्शन यात्रा के लिए अब आर्थिक सहायता मिलेगी। 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सीएम से इसका आग्रह किया था। सिंधी समाज की सबसे बड़ी और पवित्र यात्रा मानी जाती है सिंधु दर्शन यात्रा। लेह लद्दाख में 4 दिन आयोजन होता है, 12 दिन ये यात्रा चलती है और अब इसके लिए तोहफा दिया है राज्य सरकार ने सिंधु दर्शन यात्रा के लिए आर्थिक सहायता के रूप में। 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सीएम से इसके लिए आग्रह किया था। शशि मोहन शर्मा मेरे वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, सिंधी समाज के लिए एक बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से, सीएम की तरफ से। दरअसल प्रदेश में सिंधी समाज के ऐसे लोग बड़ी संख्या में हैं जो हर साल सिंधु दर्शन यात्रा के लिए जाते हैं। इनमें पुरुषार्थी समाज के भी लोग शामिल हैं और इस समाज का एक अलग स्थान है। यहाँ पर प्रदेश के आर्थिक विकास में भी बड़ा योगदान है और समाज की भूमिका को, समाज के कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हुए भले ही समाज कम संख्या में हो, लेकिन सरकार की मंशा यही है कि सबका साथ सबका विकास के तहत सभी वर्गों के साथ में जस्टिस होना चाहिए। और ऐसे में जब अन्य वर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए सहायता मिलती है तो सिंधी समाज को भी 15,000 रुपए आर्थिक सहायता प्रति व्यक्ति दी जाएगी जो यात्री सिंधु दर्शन यात्रा पे जाएंगे। सिंधी समाज की सबसे बड़ी और पवित्र यात्रा मानी जाती है सिंधु दर्शन की और लेह लद्दाख में इसमें 4 दिन आयोजन होते हैं। ये आयोजन यात्रा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामूहिक रूप से लोग पहुंचते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से ही पहुंचते हैं, लेकिन प्रदेश से जो लोग जाएंगे उनको 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी सरकार की तरफ से। स्पीकर वासुदेव देवनानी के आग्रह पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह मंजूरी दी है। जी, चलिए, शुक्रिया शशि तमाम जानकारी के लिए।